चाणक्य के समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है 2+2 वार्ता। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि 2+2 वार्ता क्या है, यह वार्ता चर्चा में क्यों है, BECA अर्थात बीका समझौता क्या है, इस समझौते के महत्व क्या है और इस विषय से संबंधित प्रश्न पर हम विचार करेंगे। 2+2 वार्ता क्या है? 2+2 वार्ता एक ऐसी मंत्री स्तरीय वार्ता होती है जो दो देशों के दो मंत्रालयों के मध्य आयोजित की जाती है। जब दो देश दो दो मंत्री स्तरीय वार्ता में शामिल होते हैं तो इसे विदेश नीति के संबंध में 2+2 वार्ता कहा जाता है। सामान्य तौर पर 2+2 वार्ता में दोनों देशों की तरफ से उनके विदेश और रक्षा मंत्री हिस्सा लेते हैं। आइए अब देखते हैं कि 2+2 वार्ता चर्चा में क्यों है। भारत और अमेरिका के मध्य 2+2 वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस वार्ता का लक्ष्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में संपूर्ण रक्षा और सुरक्षा को और मजबूत करना है, क्योंकि यहां चीन आर्थिक और सैन्य विस्तार की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच आयोजित यह तीसरी 2+2 वार्ता है। इस दौरान दोनों देशों के बीच बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट अर्थात BECA पर सहमति बन गई है। BECA अर्थात बीका समझौता क्या है? भारत अमेरिका के बीच बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट ऑन जियोस्पेशियल कॉपरेशन अर्थात बीका को लेकर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। इसके तहत अमेरिका के जियो स्ट्रेटेजिकल मैप, सैटेलाइट इमेजरी और दूसरा क्लासिफाइड डाटा भारत इस्तेमाल कर सकेगा। इस समझौते से भारत को अमेरिकी क्रूज मिसाइलों व बैलिस्टिक मिसाइलों से जुड़ी तकनीकें मिलेगी। भारत अमेरिका से संवेदनशील सैटेलाइट डाटा भी ले सकेगा। इससे दुश्मन देशों की हर गतिविधि पर करीब से नजर रखी जा सकेगी। BECA के तहत जियोस्पेटियल मैप के साथ साथ अमेरिका के एरोनॉटिक और नेविगेशन चार्ट भी इस्तेमाल कर सकेगा। इस एग्रीमेंट के तहत अमेरिका का जियो मैग्नेटिक, जियो फिजिकल और ग्रेविटी डाटा भी भारत से साझा किया जाएगा। इस समझौते के महत्व क्या है? तीसरा वार्षिक भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। यह भारत प्रशांत क्षेत्र सहित विश्व में स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा और मजबूती प्रदान करेगा। यह ऊर्जा, उड्डयन, विज्ञान, अंतरिक्ष, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सहित मुद्दों की रणनीतिक सहयोग को विकसित करेगा। दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्रों के रूप में दोनों देश गहरी लोकतांत्रिक परंपराओं का पोषण करते हैं। ये रहा आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट ऑन जियोस्पेशियल कॉपरेशन अर्थात बीका से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, यह समझौता भारत, जापान और अमेरिका से संबंधित है। कथन दो, यह समझौता रक्षा और अन्य उद्देश्यों हेतु सरकारों द्वारा उपयोग के लिए जियोस्पेशियल खुफिया जानकारी के आदान प्रदान से संबंधित है। उपरोक्त में सत्य कथन है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प सी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।